काल से शाहरुख खान की एक बचपन वाले जब स्कूल में शाहरुख खान पढ़ता था उस वक्त एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और रिचा चड्ढा उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बताया कि ये मेरा पहला प्यार है। किंग खान को हर लोग पसंद करता है, जो लोग ज़्यादातर 90s के ज़माने का है वो लोग तो ज़्यादा ही पसंद करता है, क्योंकि बचपन वाले ज़िंदगी को शाहरुख खान को देख के ही बीत गया है। और बस शाहरुख खान नहीं, उसके साथ काजल भी है, तो इसीलिए बचपन वाले कुछ यादें शाहरुख खान को लेके भी आते हैं। पिछले 3 सालों से शाहरुख खान बॉलीवुड में कोई भी मूवी नहीं बनाया, इसलिए फ़ैन भी बहुत अपसेट है। हर रोज़ तो कुछ ना कुछ ए रिलेटेड लेटेस्ट बस लेटेस्ट अपडेट सोशल मीडिया में शेयर होते हैं, और उसी तरह परसों एक पोस्ट शेयर किया है एक फ़ैन ने। शाहरुख खान के एक फ़ैन ट्विटर में शाहरुख खान के एक बचपन वाले पिक्चर शेयर किया है, एंड कुछ ही मिनट के अंदर वो पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। दिखाई दिया है कि रिचा चड्ढा, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी रिचा चड्ढा, खुद उसके ऊपर कमेंट किया है। उन्होंने लिखा कि ये मेरा बचपन वाला प्यार, और जिन्होंने ये पोस्ट खुद किया था उन्होंने पिक्चर के कैप्शन में लिखा था, अद्भुत एक बच्चा जिन्होंने रात जाग के सपना दिखा था कि मुंबई में राज करेगा। टाइम तो लगा है खुद को खड़ा करने में, खुद को एस्टैब्लिश करने में, लेकिन आज मुंबई राज ही कर रहे शाहरुख खान। दोस्तों बॉलीवुड नहीं, अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो शाहरुख खान का फ़ैन की संख्या बहुत ज़्यादा है। रिचा चड्ढा ने तो उस पिक्चर में कमेंट किया था, और उसके बाद शाहरुख खान की किसी फ़ैन ने बताया कि रिचा चड्ढा आपका तो पहला प्यार है राहुल द्रविड़, तो उसके ऊपर भी रिचा चड्ढा ने बात किया। उन्होंने बताया कि ये राहुल द्रविड़ से पहले। शाहरुख खान फ़ैन ये तो बहुत सारे है, उसके अंदर मैं भी हूँ। कुछ घंटे के अंदर उसी ट्वीट लाखों से भी ज़्यादा शेयर हो गया था। ट्विटर छोड़ के इंस्टाग्राम फेसबुक में भी उस पिक्चर को बहुत ज़्यादा शेयर किया गया है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले 29 साल पूरे हो चुका है शाहरुख खान को इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एंड लगभग 3 साल के बाद उनका अपकमिंग मूवी पठान, जो कि एक बिग स्केल में बनने वाले, वो भी रिलीज होने वाले है। अब कितना एक्साइटेड है ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, और चैनल के साथ बने रहना, देखते रहना फिल्मी गाइड। टेक केयर, बाय बाय।